हाँ दोस्तों, टेक्निकल विशाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने इस फोन को 2.5-3 महीने से यूज कर रहा हूँ और जिस दिन से मैंने इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो डाला उस दिन से आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इसमें फ्री फायर का टेस्ट कीजिए, इसमें फ्री फायर खेल के दिखाइए, फ्री फायर खेलते दौरान हीट होता है या नहीं होता है, उन सभी चीज़ों को भी बताइए। तो दोस्तों, क्यों ना मैं आज इसका फ्री फायर टेस्ट का वीडियो डाल दूँ और मैं फ्री फायर आपको लाइव खेल के दिखाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताता रहूँगा कितना स्मूथ फ्री फायर चल रहा है और कितनी बैटरी ड्रेन हो रही है और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर कितना राइज होता है वो सब भी आपको बताता रहूँगा। दोस्तों, मैंने इसका पबजी टेस्ट कर दिया है, पबजी लाइट और पबजी मोबाइल, उसका वीडियो आपको यहाँ कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसमें फ्री फायर टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ आपको नॉर्मल चीज़ें दिखा दूँ। देखिए, अभी इसका बैटरी लेवल 52% बैटरी है इसमें, और अगर ब्राइटनेस की बात करूँ तो एक बार ब्राइटनेस भी आपको दिखाऊँ। ब्राइटनेस मैं इसका 50% ब्राइटनेस पे खेलूँगा। देखिए आप, 51% ब्राइटनेस है इसकी। और मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊँ तो अभी का टेम्परेचर 39°C है और पंखा चल नहीं रहा है, बिल्कुल गर्मी का माहौल है और टाइम भी अभी 9:50 हो रहा है। तो चलिए अब फ्री फायर को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, मैं फ्री फायर का कोई रेगुलर प्लेयर नहीं हूं, मैंने ज़्यादातर पबजी खेला है और फ्री फायर की मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा खेल लूँगा वैसा आपको दिख जाएगा और सभी चीज़ें मैंने पहले ही दिखा दी है। दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, काफ़ी मेहनत लगने वाली है इस वीडियो में और देखते हैं हम कितनी देर तक खेलते हैं, वो सब आपको एंड में ही बताऊँगा और कितना बैटरी ड्रॉप हुआ, कितना इसने हीट किया, वो सब चीज़ें भी बताएंगे। अभी पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे अपना इसमें पर्सनल सिम यूज़ कर रहा हूँ, VI इंडिया, और कोई वाईफाई राउटर वगैरह से नहीं है, VI इंडिया पर्सनल सिम से चल रहा है और यहाँ पे पिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, मुझे हो सकता है एक बार फ्लाइट मोड लगाना पड़े क्योंकि ये लॉगिन भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, अभी आया ये। जी हाँ दोस्तों, अभी ये लॉगिन हो गया है। और एक चीज़ मैं आपको वॉल्यूम और दिखा दूँ कि वॉल्यूम कितना रखूँगा। तो अभी देखिए इतना वॉल्यूम है, लेकिन मैं इतना नहीं रखने वाला, इसको अराउंड मैंने 50% के करीब कर दिया है वॉल्यूम को और ठीक रहेगा इतना वॉल्यूम। देखिए, अभी ये लोडिंग काफ़ी दिखा रहा है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है इसमें, ये फ़ोन का इशू नहीं है, ये VI इंडिया का इशू है, मेरे यहाँ पे इतने अच्छे इसके नेटवर्क नहीं आते हैं। देखिए, कनेक्शन प्रॉब्लम एरर, लगता है मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, रोते रोते काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लॉबी में आ चुके हैं और मैं ज़्यादा खेलना इसको जानता नहीं हूँ। और अभी एक और बार आपको बैटरी दिखा दूँ, अभी बैटरी आप एक बार देख लीजिए, 50% बैटरी है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें जानता नहीं हूँ, क्लासिक बरमूडा करके मैप है उसे खेलूँगा और एक बार आपको सेटिंग दिखा दूँ कि सेटिंग में कितने ग्राफिक्स रखने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, लोडिंग फिर शुरू हो गई। जी हाँ, यहाँ पे देखिए फिल्टर ब्राइट रहेगा और सेटिंग्स की बात करें तो अल्ट्रा, और ये जो हाई रिजोल्यूशन है वो नॉर्मल, और ये चीज़ जो तीसरी वाली जो चीज़ है शेडो वाली, ये ऑन रहेगी। अभी मैच शुरू हो गया है। तो अभी हम लॉबी में आ चुके हैं और परफॉर्मेंस बताऊं तो काफ़ी ठीक ठाक है, अराउंड मुझे लग रहा है ऐसा 40 FPS के करीब मुझे मिल रहे हैं और 21 सेकंड दिखा रहा है ये, और ज़्यादा खेलना मुझे आता नहीं है हालांकि, स्पीकर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वैसे आप अभी से कमेंट करके बताइए कि मैं कितने किल कर लूँगा, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े मुझे लैग दिखे थे जब हम इसमें प्लेन में आने वाले थे। मैंने तो कभी खेला हूँ ना ये यार,
अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मुझे जाना कहाँ चाहिए। चलिए इसमें अभी मैं प्लेन किधर से जा रहा है, फैक्ट्री पे जाता हूँ। मैंने जंप लगा दी, फैक्ट्री के जस्ट ऊपर हूँ मैं। अब मुझे ज़्यादा खेलना नहीं आता, इस चीज़ का दुख है। बस एक बात कहूँ, ग्राफिक्स तो इसके ठीक हैं क्योंकि मैं हाई ग्राफिक्स मोड में खेल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हाई ग्राफिक्स हैं। और परफॉर्मेंस अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, एक दो लैग छोटे छोटे दिखे थे जो कि किसी भी फ़ोन में देखने के लिए मिल सकते हैं, बड़ा हो या छोटा। मैं लैंड हो चुका हूँ और रन करना है। ओ भाई कोई आ भी गया है नीचे। ओए भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, संभल के संभल के संभल के संभल के, डैमेज दे दिया उसने मुझे थोड़ा सा। कहाँ से चलेगा यार, किधर है गन? गन ना गन जानता मैं ना ही इसमें कौन सी किससे क्या करना है वो जानता हूँ मैं, बिल्कुल नूब हूँ उस प्लेयर में मैं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, बच के बच के। ओ यार देखो, मुझे बिल्कुल भी आता नहीं है, मेरी सीधे सीधे डेथ हो गई है। और अभी ये कोई और चल रहा है, मैं उसको आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड सॉरी, इसी ने मारा था मुझे। तो कोई नहीं, मर गए हम, कोई बात नहीं, लेकिन गेम हम कंटिन्यूस खेलेंगे। आपकी ग्राफिक्स को हम थोड़ा कम करते हैं जिससे कि हमको एक और बार आइडिया लग जाए कि किधर से है। ग्राफिक्स को थोड़ा और कम करते हैं जिससे कि हमें, अब हमने कर लिया ये स्टैंडर्ड, ठीक है। अब चलाते हैं और अब चेक करते हैं। तो अभी दोबारा मैं आ चुका हूँ और इस बार थोड़े FPS कम लग रहे हैं, 30 FPS अराउंड गेम प्ले है। सही, स्मूथ तो अभी भी चल रहा है। और हीटिंग वगैरह की बात करूँ तो अभी थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे फील हो रही है इस वाले एरिया में, और इधर ठंडा है, इधर थोड़ी फील हो रही है। और ये नॉन AC रूम है, कोई भी इवन तो इसमें पंखा भी नहीं चल रहा है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लगेगा यहाँ से। देखते हैं इस बार कहाँ कूदें, बस कहीं भी कूदें, मरना तो है ही, इसलिए बेहतर रहेगा किसी ऐसी जगह कूदें जहाँ बच जाएं। दोस्तों मैं वीडियो को फास्ट मोशन में कर देता हूं, लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग देख पाएंगे। दोस्तों देखिए इतना ज़्यादा पिंग था, अभी ये पिंग नॉर्मल हुआ है, अब मैंने गन उठा पाई है, तब से मैंने फ्लाइट मोड पे लगा दिया था तब ये अब नॉर्मल हुआ है पिंग। चलिए आप देखते हैं।
दोस्तों तो खेलते खेलते 20 मिनट हो गई हैं, और अभी हम देखो 20 मिनट हुई हैं और टेम्परेचर हम देख लें एक बार, तो टेम्परेचर 47 अब 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है। और बैटरी दिखाऊं मैं आपको, बैटरी 45% है, मतलब 5% घटी है 20 मिनट में, 5% बैटरी घटी है। और रैम एक बार आपको दिखाऊं तो 1.1 GB आउट ऑफ 4 GB अवेलेबल है जब हमारा फ्री फायर चलता है तब भी। तो चलिए देखते हैं, वैसे परफॉर्मेंस की बात करूँ परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक मिली है, लेकिन मेरा नेट उतना अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं ढंग से नहीं खेल पा रहा हूँ गेम को, और वैसे भी मुझे आता नहीं है उतना अच्छा, तो 2-3 कारण है उनकी वजह से गेम उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा मैं, लेकिन नेट नहीं चल रहा है मेरा उतना अच्छा। तो जैसा कि अभी आपने देखा था, मैंने आधे घंटे गेम खेला था इसमें, और उस दौरान 7% बैटरी गिरी थी, और जो पीक टेम्परेचर था वो 45 डिग्री सेल्सियस गया था, और अभी पूरा ठीक दोपहर का टाइम है, कोई भी पंखा वगैरह नहीं चला था, तब ये हाल थी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो निकल के आई थी वो काफ़ी डिसेंट थी, जब मैंने हाईएस्ट सेटिंग जब पहले राउंड में जब मैंने खेली थी तब थोड़े बहुत एक दो फ्रेम ड्रॉप्स मुझे देखने के लिए मिले थे, जो कि इस प्राइस रेंज के हर एक स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाते हैं। ओवरऑल गेम काफ़ी स्मूथ था, और अगर आप गेमिंग के पर्पज से खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वाले स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। और बाद बाकी अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो कैसा भी लगा हो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर